हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। अगर आप भी कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप लोग बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सभी बच्चों को पता है कि उनका 25 सितंबर से स्कूल में बाबू अर्धवार्षिक यानी आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार बोर्ड इसके लिए रूटीन भी जारी कर दिया है। और जैसे ही आज अभी अभी जो रूटीन बाबू ये जारी हुआ है, पूरा परीक्षा का पैटर्न चेंज करके रख दिया है। कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना सब्जेक्टिव आएगा, सब चीज बदल गया। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो ये टेस्ट एग्जाम हो रहा है इसमें कितना ऑब्जेक्टिव आएगा और जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा जो होगा उसमें कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कहां से किस विषय से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कितना सब्जेक्टिव आएगा, ये सभी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज जो बिहार बोर्ड बाबू रूटीन जारी किया है, ये टेस्ट एग्जाम का पूरा पैटर्न बदल चुका है। पूरा अच्छी तरीके से हम समझाएंगे और इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि और बच्चों के पास पहुंच सके। अपने दोस्तों के पास आप लोग शेयर करिएगा ताकि जो 25 सितंबर से आपका जो स्कूल में परीक्षा होने वाला है उसकी क्या हो सके, उसकी नॉलेज उन लोगों को मिल सके। कैसे एग्जाम होगा, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कितना देर का एग्जाम होगा, कितना पाली में होगा, ये सभी हम आपको बात बताने वाले। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। बिहार बोर्ड अभी अभी जस्ट क्या किया है बाबू, नोटिफिकेशन आउट किए हैं। आज ही का ये नोटिफिकेशन है, आप लोग कहीं से भी डाउनलोड ये कर सकते हैं या हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे सकते हैं। तो चलिए बताते हैं बाबू क्या बदला हुआ है। अगर आप लोग सेकंड टर्मिनल एग्जाम देने जाइएगा अपने स्कूल में तो आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा चेंज हो गया है ये, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो ये है बाबू वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहां पे हम आपको दिखाते हैं क्या क्या चेंज हुआ है आपके परीक्षा में। बिल्कुल आप लोग यहां पर एकदम ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो यहां पे बाबू मेरे आप लोग देखिए, यहां पे लिखा गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, ठीक है 2023। अभी 2023 से आप लोगों का 24 में एग्जाम चल रहा है लेकिन जो ये टेस्ट है 2023 में ही हो रहा है। देखिए यहां पे लिखा गया है माह सितंबर 2023 में 9वीं एवं 10वीं की कक्षाओं में अध्ययनतरित यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए मासिक परीक्षा के लिए प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम समय परिवर्तन के संबंध में आवश्यक सूचना अभी अभी बाबू जस्ट एकदम जारी हुआ है। और आपका यहाँ पे 25 सितंबर से आपका टेस्ट भी स्कूल में आपका शुरू हो जाएगा। अब देखिए इसमें भारी बदलाव क्या है हम आपको बताते हैं, बिल्कुल आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। ये रूटीन बाबू यहाँ पे जारी हुआ है, अब यहीं से आप लोग पढ़िएगा आपको सब चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे परीक्षा का तिथि यानी दिन प्रथम पाली और यहां पे सेकंड पाली, ठीक है यहां पे दोनों पालियों में होगा ये कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों के लिए, ठीक है। और कितना दिन एग्जाम होगा, 25 को एग्जाम होगा, फिर यहां पे 26 को होगा, फिर 27, तीन दिन में आपका एग्जाम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए बदलाव क्या है बाबू मेरे, यहां पे आप लोग ध्यान से समझिए। यहां पे पहला दिन आपका यहां पे मातृभाषा यानी हिंदी, बंगला, उर्दू और मैथिली जितने बच्चे लिए उनका एग्जाम होगा। और एग्जाम का समय देखिए 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, यानी एग्जाम कितना देर में आपका हो जाएगा। तो एग्जाम का यहां पे जो टाइम दिया है बाबू आपका 1.5 घंटा में आपका एग्जाम हो जाएगा। और ऐसे हम लोग जो पूरा टेस्ट देते हैं, पूरा एग्जाम देते थे, जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम दिए थे उसमें हम लोगों को 3 घंटा समय मिला था, यहां पे आधा समय मिल रहा है। इससे हमें पता चलता है कि जो क्वेश्चन पेपर आएंगे ना उसमें एकदम थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन होगा। जैसे हम लोग कोचिंग में पढ़ते हैं और कोचिंग वाले सर क्या करते हैं कि महीना में एक दिन टेस्ट ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन का, उसी प्रकार बाबू यह टेस्ट होने वाला है। अब इसमें आपको खोजिएगा कि 100 गो ऑब्जेक्टिव रहे, 50 गो बनाना है, ऐसा आपका नहीं रहेगा। ये एक टेस्ट एग्जाम है और आपको इसको पास करना भी जरूरी है और इसके लिए आपको 1.5 घंटा का बाबू ये एग्जाम है, ठीक है ये भी आपको याद रखना है। देखिए 9:30 से 11 बजे तक आपका एग्जाम होगा, 1.5 घंटा का एग्जाम है। और इसमें बात ये आपको ध्यान में रखने वाली है कि जैसा फाइनल बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आता है बिल्कुल वैसा ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन की संख्या बाबू मेरे कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, क्योंकि 1.5 घंटा आपका टेस्ट देना है। पहले हम लोग 3 घंटा में टेस्ट देते थे, अब क्या हो रहा है बाबू आधा समय कर दिया गया, तो क्वेश्चन भी आपका आधा कर दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। यानी इसमें क्या किया जाएगा कि समझ लीजिए यहां पर क्वेश्चन भी आधा आपको मिलेगा, मतलब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, थोड़ा सा सब्जेक्टिव, और उसी को बाबू मेरे आपको बनाना है, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है, पहले दिन आपका हिंदी है,
प्रथम पाली में आपको याद रखना है, फर्स्ट सीडिंग में, और उसी दिन आपका द्वितीय पाली में होगा जिनका यहां पे संस्कृत है और जिनका यहां पे जो यहां पे नॉन हिंदी होता है उनका, यहां पे नॉन हिंदी यानी अहिंदी, अरबी, फारसी, भोजपुरी है उनका, ये क्या हो जाएगा बाबू मेरे, हो जाएगा। और उसके बाद ये कब से होगा तो आपको याद रखना है 11:30 से आपका यहां पे 1 बजे खत्म, ठीक है, यानी 3 घंटा में दोनों एग्जाम आपको देना, एकदम आधा आधा क्वेश्चन आएगा। फिर आपका 26 से आपका विज्ञान होगा, फिर 9:30 से 11 बजे तक आपका चलेगा, ठीक है, और ये सेकंड पाली में आपका सामाजिक विज्ञान होगा और ये भी क्या होगा आपका चलेगा एकदम बढ़िया से, उतना ही समय इसमें भी मिलेगा। और मैथ में भी बाबू देखिए, पहले क्या होता था विज्ञान का जो होता है 80 नंबर उसमें कम समय मिलता था 2 घंटा 45 मिनट, लेकिन जो गणित होता था उसमें पूरा 3 घंटा 15 मिनट मिलता था, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया गया बाबू, आप लोग देखिए गणित में भी बिल्कुल वही टाइम आपको मिलेगा 9:30 से आपका 11 बजे तक ही, 9:30 से 10 आधा घंटा और 10 से 11 एक घंटा, यानी 1.5 घंटा बाबू मेरे आपको टाइम मिल रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि एकदम थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, मतलब जो पेपर का पैटर्न है पूरा बदल गया है केवल टेस्ट के लिए, लेकिन जो आपका सेंटअप एग्जाम होगा ना उसमें आपका जैसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में परीक्षा होगा उसी प्रकार से आएगा। तो इससे यहां पे देखिए, यहां पे गणित है और लास्ट में क्या हो जाएगा, यहां पे सेकंड पाली में लास्ट में अंग्रेजी हो जाएगा और आपका यहां पर क्या होता है सभी यहां पर खत्म हो जाता है, मतलब यहां पे हम लोगों का 3 दिन ही एग्जाम चलेगा। इससे पता क्या चलता है, 3 दिन एग्जाम चलेगा, रूटीन यहां पे बाबू जारी है, रूटीन हम आपको नीचे लगा देते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, ये रूटीन है। 3 दिन आपका एग्जाम होगा और वो भी 1.5 घंटा का एग्जाम होगा, दोनों पाली में होगा और प्लस क्वेश्चन आपका आधा आधा आएगा, मतलब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा सब्जेक्टिव इसी प्रकार से, मतलब जैसे हम लोग कोचिंग में टेस्ट देते हैं, सर आते हैं एक बैग और कुछ क्वेश्चन दे देते हैं और आप लोग बना के दिखाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से है। लेकिन इसका जो बाबू मतलब क्वेश्चन है कौन भेजेगा, बिहार बोर्ड भेजेगा, ठीक है, और इसका रिजल्ट भी बिहार बोर्ड के एप्लीकेशन पे आएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, कुछ बच्चे सोचेंगे परीक्षा को छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है बाबू, ज्यादा छोड़ दीजिएगा परीक्षा तो आपका हो सके तो एडमिट कार्ड नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है परीक्षा में आपको बैठना है, परीक्षा आप लोग दीजिए टेस्ट एग्जाम में, पास फेल का आप लोग टेंशन मत लीजिए कि इसमें पास ही होना है, लेकिन आप लोग बढ़िए परीक्षा में बैठिए बहुत अच्छे तरीके से। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा कि सर कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मतलब कितना सिलेबस से क्वेश्चन पूछेगा, तो बाबू सिलेबस से कितना क्वेश्चन पूछेगा, आधा से। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी विषय में 6 चैप्टर है तो इसमें से 3 चैप्टर से आपको शुरुआती का 3 चैप्टर आपका पूछेगा, ठीक है। गणित में मान लीजिए 15 को चैप्टर है तो 15 का आधा कितना हुआ 7.5, यानी 1 से लेकर 8 चैप्टर तक आएगा, यानी इस महीना में आपका त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही बाबू आधा आधा सब विषय अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा कितना चैप्टर है उसका आपको आधा कर लेना है और आधा आपको पढ़ना है, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा है और ये स्कूल का टेस्ट एग्जाम है, आपको डरना नहीं है। और इसका अगर क्वेश्चन पेपर वायरल होता है तो बाबू हम आपका पूरा हेल्प करेंगे, लेकिन चोरी करना पाप है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है काफी अच्छी तरीके से पढ़िए, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार आपको समझा देते हैं, सबसे पहले बाबू मेरे आपका 1.5 घंटा का एग्जाम होगा, दोनों पाली में एग्जाम होगा। जब 1.5 घंटा में एग्जाम होगा तो क्वेश्चन पहले जितने आते थे उतना से एकदम आधा आएगा, यानी टेस्ट कुछ भी यहां पे बताया नहीं गया कि इतना क्वेश्चन आएगा उतना क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं, आधा समय मिल रहा है तो आधा आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। तो ये था बाबू बहुत भारी बदलाव, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और ये रूटीन आप लोग देख लीजिए किस दिन कौन सा विषय है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलते हैं अगली वीडियो में और प्लीज अपने दोस्तों के पास आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।